रही है बाजी, पूरा पूरा लगे रहे जगह जग मारने में। जबरदस्त दो शॉट दे दिए उन्होंने। बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है बहुत ही खूबसूरत जगह से, जो कि है नैनीताल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉगों में बताया कि हम हैं अभी नैनीताल में। पीछे से शोर आ रहा है वॉशरूम में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं उठी हूँ। बहुत ही अच्छी नींद आई क्योंकि काफ़ी कम्फर्टेबल भी था और जगह भी अच्छी है। सुबह मस्त नींद आई, थके भी हुए थे। और मिलती हूँ आपको फटाफट तैयार होके नहा धोकर। भाई भी यहाँ पे बस मिलने वाले थोड़ी देर में। फटाफट से आ दो। तूने की गर्म किया, पानी आ गया गर्म? तो चलते हैं, अभी मैं नहाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको रेडी होके। बने रहिएगा व्लॉग में। आज नैनीताल की खूबसूरत सी आपको जगह दिखाऊंगी और क्या क्या करने वाले हम नैनीताल में वो भी सब आप देखेंगे। सो बने रहिएगा, कहीं जाना मत, यहीं रहना, मैं आ रही होगी। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ नहा धोके होंगे रेडी। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी भी कुछ खास गर्म नहीं था पर नहाना ज़रूरी था तो नहा लिया। और यहाँ पे हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता आ गया लेकिन ये नहीं कर रही, मैं कर लेता हूँ। वो थोड़ी दवाई खानी थी इसलिए, पहले दवाई खा के फिर खाली पेट दवाई खानी थी इसलिए, और फिर खाऊंगी परोठा। मुँह में पानी आ रहा है, गर्म गर्म हो रखा है, भूख भी लग रही है। तो अभी जैकेट वैकेट पहननी है मैंने, मुँह में तो क्या ही करना, कुछ थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लूँगी और फिर चलेंगे तैयार होके बाहर। आप भी चलना हमारे साथ, ओके? कहीं नहीं जाना, पहले ही बोला था ना यहीं रहना, साथ में जाना है हम लोग बाहर, ठीक है? दोस्तों जहाँ पे हमने स्टे किया है वहाँ से जस्ट बाहर ही लेक का व्यू कुछ ऐसा है और बहुत सुंदर है जगह। ओवरव्यू करवा देती हूँ, बड़ी घूम के ऐसी। सब निकल पड़े हैं, देखते हैं आज क्या क्या होता है। So, दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और घूम रहे हैं यहाँ पे, और देख सकते हो आप कितना सुंदर यहाँ का व्यू है। और बस आगे चलेंगे अभी, अभी हम बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं। टूर आएगा पैसे तो बोटिंग करेंगे इसके बाद पक्का भी। हाँ तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे अभी बोटिंग करेंगे और दिखाएंगे, बहुत ही प्यारा व्यू है। तो ये आज मैंने ये पहना है अपना आउटफिट, देख लो यार इसको भी, देख लो गरीब को, देख लो यार गरीब नहीं बड़ी। तो बताना कैसे लगा? 50 की जैकेट है और 250 के पूरा आउटफिट है, 250 का, 250 रुपए का इसका। नहीं जी, मैंने अभी हम ताल में घूमने वाले हैं, काफी अच्छी जगह है नैनीताल। ये देखो मस्त जगह है यार, ताल देखो कितना तगड़ा है यहाँ पे। बाकी मच्छी मुच्छी पकड़ेंगे, इसके बाद बोटिंग वोटिंग करेंगे। हाँ यार एक आध दिख रही है बट बहुत ज्यादा फिश है यहाँ पे वो, ये देखो। तो दोस्तों हम यहाँ पे आए थे रोटरी सेल्फी पॉइंट पे और यहाँ पे व्यू देखो कुछ ऐसा है, आपको दिखा देती हूँ। ये स्कल्पचर टाइप पेंटिंग है और ये कुछ ऐसा है, ये यहाँ पे बना रखा है फोटोज क्लिक करने के लिए, और एक हार्ट शेप में। और हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि मेन मकसद हमारा भी बोटिंग करने जाना है, चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे आए हैं लेक की साइड पे और मैं ट्रेडिशनल जो भी ड्रेस है उसमें फोटो खिंचाने वाली हूँ। भैया अभी आई थिंक ज्वेलरी लेके आ रहे हैं, पहले ज्वेलरी लगाओगे ना सबको ज्वेलरी भाई। देखो अभी बस रेडी वेडी होने वाली है अभी। कैसा लग रहा है? तेरे से अच्छे अंकल लग रहे थे जो गए अभी क्रॉस करके, जो अंकल क्रॉस करके ये ज्यादा अच्छा लग रहे थे। ये एक और भाई आ रहे हैं अभी बीच, ये अक्खी बाजी आई, अक्खी बाजी बीच में है। अभी हम रसदा की दुकान में आ रखे हैं, बस अभी हम फटाफट से तैयार होने वाले हैं। बाकी रसदा पूरी लगे हुए तैयार व्यार करने में, बहन को सजा रहे हैं पूरा अच्छे से।
देखना इस चीज का। आप देखो आप। तो दोस्तों मैंने पहन लिया ये आउटफिट और मैं कुछ लग रही है ऐसे, मैं कह रहा हूँ तो आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखिए जो फोटो फोटो खिंचवा रही है, बाकी गुड्डू दा पूरा लगे हुए हैं झकाझक मारने में, ये जमाजम दो शॉट ले लिए इन्होंने। अख में काजल नख न थुली भली लगी रे, हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे, हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे। हे तेरे कोई मुखड़ी, हे तेरे प्यारी मुखड़ी, हे तेरे कोई मुखड़ी भली लगी रे, हे तेरे कोई मुखड़ी, हे तेरे प्यारी मुखड़ी, हे तेरे कोई मुखड़ी भली लगी रे, हे तेरे कोई मुखड़ी। तो दोस्तों हमने अपना कर लिया फोटोशूट और हे तेरे कोई मुखड़ी भली लगी रे। आप ही आओगे हमारे वीडियो में। हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, आपका वीडियो डाल दूंगा। सुबह से रिसर्च आते हो, देखते हैं हमारी फोटोज कैसी आई है। यहाँ पर एक काफी बड़ी मस्जिद भी है जैसा कि आप सामने देख सकते हो वीडियो में, और एक ग्राउंड है। फोटो फोटो के चलिए, अभी हम चल रहे हैं अपनी बोटिंग की तरफ, देखते कौन सी वाली बोट में बैठेंगे। चाय सुट्टा बार नैनीताल में भी है, कडल द कुल्लड़ इसकी आउटलेट यहाँ पे भी है। कैपिटल रेडी फॉर द बोटिंग, इसी बैठेंगे भैया। तो दोस्तों फाइनली हैं हम बोट में और कर रहे हैं बोटिंग, काफी अच्छा लग रहा है। आपको पीछे से बैक कैमरे से दिखाती हूँ व्यू, बहुत अच्छा। तो अब हम बोटिंग करने के बाद आ चुके हैं यहाँ पे, माँ नैना देवी का मंदिर है यहाँ पे, और अब जाएंगे मंदिर के अंदर। और अगर वीडियोस बनाना पॉसिबल हुआ तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे अंदर, और आप भी दर्शन कर लेना हमारे साथ साथ। व्यू दिखा देती थोड़ा आपको यहाँ का, अभी जा रहे हैं नैनीताल के मंदिर में। तो सबसे पहले मंदिर में एंट्री करते हुए यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, नहीं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए, और यहाँ पे कुछ ऐसी इन्होंने लगाए हैं क्या, सारे अवतार, शिव पार्वती अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, बारह अवतार, नरसिंह अवतार, बामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार एंड बुद्ध अवतार, कलिक अवतार, कल्कि अवतार, कल्कि अवतार। और टाइज बहुत ठंडी हो रही है, पैर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हालत ख़राब हो रही है मेरी तो ठंड की वजह से, जान बोल रही है, जय माता दी जय माता। बहुत ठंड हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पे हम दूसरे माता जी के मंदिर पे आ गए, नहीं यहाँ पे अलग अलग मूर्ति है, अलग अलग है ना। हाँ
चुन्नी मान ले, मन्नत मांग ले मेरे लिए। तो नैनीताल की माल रोड कुछ इस तरह है यहाँ पे। और हमारा मन था पिज़्ज़ा खाने का, मतलब भाई का मन, तो हमें मिला है ये लड़का छोटा सा, और ये बता रहा है हमें कि पिज़्ज़ा की मतलब डोमिनोज किधर है, कितनी दूर है अभी? 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा छोटू अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम आशीष। आशीष, अच्छा स्कूल जाते हो? हाँ इधर देख के तो बोलो, स्कूल से आए हो? दोस्तों हम लोग गए थे डोमिनोज, वहाँ पे उन लोगों ने हमारा ऑर्डर लेने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ पे उनके पिज्ज़ा ख़त्म हो गए थे। तो हम आए हैं यहाँ पे नैनीताल में कैफे दी मॉल, वहाँ पे आए और यहाँ पे लाइट हालत ख़राब हो रही है, हेडेक अगेन। तो हमारा जो स्टे है हमने यहाँ पे किया है आर्मी रेस्ट एंड पीकॉप सेंटर नैनीताल, यहाँ पे हमने अपना स्टे किया है और इसके सामने ही लेक है। तो अभी चलते हैं अंदर, मैं जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में वापस क्योंकि मेरी तबीयत ना ख़राब हो रही थी और मैं नहीं चाहती हूँ कि और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो कि मैं वापस चंडीगढ़ जाऊँ और फिर मैं इतनी ख़राब हो जाए मेरी तबीयत कि मैं काम पे जाने लायक भी ना रहूँ। मुश्किल से छुट्टी मिली है मुझे, तो मैं आ गई वापस और भाई थोड़ा मार्केट में गया हुआ है कुछ काम से, तो चेंज वेंज मैंने कर लिया है, मुँह हाथ धो लिया है और आपको एक क्विक रिव्यू करवा देती हूँ अपने रूम का, थोड़ा छोटा सा रूम टूर दिखा देती हूँ कि कैसा है यहाँ पर रूम। और चलो दिखाती हूँ फिर आपको स्टार्ट। ये है एंट्री डोर और साइड पे है खिड़की और यहाँ पे है सिटिंग एरिया जहाँ पे हम बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं। और ये हमें इन्होंने कैंपर, एक वाटर कैंपर प्रोवाइड किया था, एक इलेक्ट्रिक केटल हमें प्रोवाइड करी थी। और देन यहाँ से है डबल बेड, दो ब्लैंकेट इन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं। इन्होंने कहा था अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आप ब्लैंकेट, वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी मंगा सकते हैं एंड दे विल ओनली चार्ज 70 रुपीज़ पर डे फॉर दैट, तो वो भी मुझे सही लगा। यहाँ मैं अपना सामान वामान कुछ ऐसे रखा हुआ है और ये है ड्रेसिंग और यहाँ से कुछ ऐसे वॉशरूम, वॉशरूम भी ठीक है, स्पेशियस है, मैं भी तो कह रही हूँ आपको। सो ये है सारा रूम, काफ़ी अच्छा है, साफ सफाई भी अच्छी है जो कि मुझे काफ़ी सबसे पहली सबसे अच्छी यही बात लगी कि साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था छोटा सा एक रूम टूर, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा रूम, आप बताना कि आपको कैसा लगा। वैसे काफ़ी कंफर्टेबल भी मैंने यहाँ पे फील किया और सबसे अच्छी बात साफ़ सफाई की, क्योंकि आर्मी एरिया है तो साफ़ सफाई के मामले में हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि कुछ वैसा हो गंदगी टाइप, बहुत अच्छा था। तो ये आर्मी गेस्ट हाउस मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा भी फील हुआ। और मुझे पता लगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे गेस्ट हाउसेज आर्मी वालों के लिए काफ़ी डेस्टिनेशंस पे होते हैं, सो गुड टू हियर दैट। और अभी देखते हैं डिनर में क्या मंगाएंगे, मैं जल्दी आ गई थी, मैंने शाम को घूमने का सोचा कि अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब होगी तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी, कल जाना भी है घर को। तो देखते हैं फिर क्या मंगाते हैं खाने में, और तब तक आप ऐसे बने रहिएगा ब्लॉग में, बोर मत होना ठीक है। कल निकलना भी है, तैयारी भी करनी है, मैंने सामान वगैरह पैक भी कर लिया है, तो अभी छोटी सी झपकी ले लेती हूँ फिर आपको मिलती हूँ जब तक भाई नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने मंगवाए थे मोमोज और पैक करके ले गया था, तो थोड़े टूट से गए, तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने का इसलिए आप खाते हैं।
तो बड़े मेरे से बाहर से खाते हैं। अब ये लो, सबसे पहले आप ठीक है ना, फिर बाद में बोलना, मैंने आपको पूछा नहीं। सबसे पहले आप और हम तो कहीं है ही नहीं भाई, जो ले गया है। स्वाद ठीक हो रहा है, सही है, भूख लग रही थी। अभी आओ, अभी खाओ। चाय पीने का मन कर रहा था, तो चाय नहीं मिल रही यहाँ पे, कह रहे बंद हो गई, अब टाइम हो गया, डिनर मिलेगा सीधा। 7 बजे अभी खाते हैं, फिर दिखाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, फिर दिखाती रहती थी। अभी हमने ऑलमोस्ट ऑर्डर किया है, वो देखना आप। बस आप देखते रहो वहाँ, मुंह में पानी आता रहेगा साथ में। नहीं ऐसा नहीं करना, मैं आपको पूछ रही हूँ खाने के लिए, ऐसा मत बोलना कि मैंने आपको पूछा नहीं खाने के लिए। आपको व्हाट्सएप भी कर दिया, आप खाते रहना। तो हमने अपना डिनर ऑर्डर किया है, क्या किया है ये? बिस्तर से बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इसको खाते हैं, मजबूरी में खा रही हूँ, मतलब मन भी नहीं कर रहा खाने का, मन कर रहा है सो जाऊँ, पर खा लेती हूँ, नहीं तो रात को भूख लग जाएगी थोड़ा सा। बस अब खाते हैं और फिर मैं तो सो जाऊँगी जल्दी, और आपको मिलूंगी कल थक गई हूँ बाद। माय बैटरी इज लो। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। ओके, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना। तब तक बाय, टेक केयर।